नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं वैश्य समाज से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। शिवपुर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत अग्रवाल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायतों में रिक्त पंच पदों पर निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सह रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए। बता दें कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा अपने अपने तहसील कार्यालयों में पंच पदों के निर्वाचन के लिए नामांकन प्राप्त किए जाएंगे। दमोह में मलैया मील रोड पर रफ्तार से आ रही ट्रक ने सामने से आ रही साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो जाने से ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। गाजीपुर में जमानिया के हरबलमपुर गांव के पास दिव्यांग शिव कुमार बिंद की सुबह मेमो पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। इस घटना से गांव में मातम का माहौल है। माल एवं सेवा कर परिषद ने सिगरेट पर सेस बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी दरें तय होने के बाद विसंगति की वजह से सिगरेट बनाने वाली कंपनियां अप्रत्याशित लाभ कमा रही थी और इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। हालांकि सेस में बढ़ोतरी में सिगरेट कीमतों में बदलाव नहीं होगा। ये सेस मध्य रात्रि से प्रभावी माना जाएगा। ऑनलाइन खुदरा बिक्री प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने समझा जाता है कि स्नैपडील का अधिग्रहण करने के लिए करीब 6000 करोड़ की नई पेशकश की है। बता दें, बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने स्नैपडील के ऑनलाइन मार्केटप्लेस और यूनिकॉमर्स को खरीदने के लिए ये राशि देने की पेशकश की है। देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन और फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति का कहना है कि चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मूर्ति ने कहा कि उन्हें कंपनी के चेयरमैन के पद को छोड़ने का दुख है। उन्होंने अपने सह संस्थापकों की बात सुननी चाहिए थी, जो उन्हें पद में बने रहने की सलाह दे रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आम आदमी की टैक्स से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नई ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। नई ऐप के जरिए डिपार्टमेंट के साथ आप संवाद भी कर सकेंगे। इसके अलावा टैक्स भुगतान, टैक्स कटौती से लेकर डिपार्टमेंट में तमाम सूचनाओं को इस ऐप के जरिए मैनेज किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नाम माई टैक्स ऐप होगा। नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने साल 2016 के 30 दिसंबर तक अपने पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट नहीं बदलवाए, केंद्र सरकार ने उनके लिए नोट बदलवाने का एक और मौका देने से इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा करने से काला धन नष्ट करने का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। टेलीकॉमर्स कंपनी रिलायंस जियो ने कुछ समय पहले ना धन धना धन ऑफर पेश किया था। इसके बाद से ही टेलीकॉम बाजार में प्राइस वॉर छिड़ गई है। भारतीय एयरटेल, आइडिया और बीएसएनएल के बाद अब एयरसेल ने 333 रुपये का एक नया प्लान पेश किया है। इसके तहत 2G, 3G और 4G हैंडसेट यूजर्स को इंटरनेट डाटा दिया जाएगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत बैंकों में पड़े करीब 2000 करोड़ रुपए के सोने की जल्द नीलामी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस नीलामी को मंजूरी दे दी है। देश पर से सोने के आयात का बोझ कम करने के लिए पीएम ने नवंबर 2008 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की शुरुआत की थी, जिसका मकसद घरों में पड़े सोने के जरिए सोने का आयात कम करना था। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वैश्य व्यापार न्यूज के साथ। नमस्कार।